हे दोस्तों, एजुकेशन वुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा टनेज कैलकुलेशन। तो टनेज कैलकुलेशन क्या होता है, देखो एक सिंपल से डेफिनेशन देखते हैं कि टनेज इज द टोटल क्लैंपिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू क्लैंप द बोथ मोल्ड हाफ। ठीक है, जो मूविंग हाफ होता है और जो फिक्स्ड हाफ होता है उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, क्लैंपिंग फोर्स लगता है अगेंस्ट द इंजेक्शन प्रेशर ऑफ मेल्टेड प्लास्टिक ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ठीक है, जो कि इंजेक्शन प्रेशर जो कि अप्लाई करता है तो उसके अगेंस्ट एक फोर्स को हमको अप्लाई करना पड़ता है ताकि वो मोल्ड को होल्ड करके रखे, राइट। तो यहां पर आपको एक मोल्ड कंप्लीट नजर आ रहा है जिसके अंदर एक फिक्स्ड हाफ है और एक मूविंग हाफ है, राइट। अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई मोल्ड किस तरह से वर्क करेगा, भाई इस तरह से मोल्ड पूरा वर्क करता है, तो रेड कलर की जो लाइन दिख रही है वो बता रहा है कि भाई इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से रहेगा और यहां पर क्लैंप फोर्स लगने वाला है। तो देखो इस तरह से फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो टनेज कैलकुलेशन बेसिकली किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। देखो टनेज कैलकुलेशन डिपेंड करती है कंपोनेंट के प्रोजेक्टेड एरिया के ऊपर, राइट। तो यहां पर देखते हैं कंपोनेंट का प्रोजेक्टेड एरिया। तो यहां पर आपको देखो एक मैंने एक सिंपल सा प्लेन लिया है, उस प्लेन के ऊपर अगर मैं कंपोनेंट को प्रोजेक्ट करूं तो प्रोजेक्ट मुझे इस तरह से इसका प्रोजेक्शन नजर आएगा। अब मैं कंपोनेंट को किस तरह से वहां पर रखूंगा, उसका लेआउट किस तरह से रखूंगा, उसके हिसाब से उसका प्रोजेक्टेड एरिया डिसाइड होगा, राइट। अब यहां पर सेकंड जो चीज है वो है मशीन का इंजेक्शन प्रेशर। अब देखो मशीन के अंदर एक स्क्रू होता है, राइट। अब जो आपको एरिया नजर आ रहा है पिंक कलर में, जो एरिया नजर आ रहा है वो बेसिकली क्या है, मेल्टेड प्लास्टिक मटेरियल है। तो मेल्टेड प्लास्टिक मटेरियल को स्क्रू क्या करने का काम करेगा, पुश करने का काम करेगा इनटू द इंप्रेशन, राइट, इंप्रेशन के अंदर। तो यहां पर वो क्या करेगा, एक प्रेशर अप्लाई करेगा। तो बेसिकली इस प्रेशर को इससे ज्यादा होना चाहिए हमारा क्लैंप फोर्स, नहीं तो मोल्ड खुल सकता है, राइट। तो वही इंजेक्शन प्रेशर के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। एंड द नंबर ऑफ कैविटीज, भाई कितनी नंबर ऑफ कैविटीज को हम लोग फील कर रहे हैं, राइट। तो अगर नंबर ऑफ कैविटीज फॉर एग्जांपल कम है तो प्रेशर कम लगेगा, अगर नंबर ऑफ कैविटीज अगर ज्यादा है तो वहां पर प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा, अगर प्रेशर वहां पर ज्यादा अप्लाई होगा प्रोजेक्टेड एरिया अगर वहां पर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वहां पर क्लैंपिंग फोर्स भी भाई इंक्रीज होगा, राइट। तो नंबर ऑफ कैविटीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। टनेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला समझते हैं, भाई टनेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले इसके अंदर जो रहेगा वो रहेगा प्रोजेक्टेड एरिया एंड द नंबर ऑफ कैविटीज। अब प्रोजेक्टेड एरिया और नंबर ऑफ कैविटीज रहेगा वो mm में, राइट। ठीक है, नंबर ऑफ कैविटीज नंबर में, राइट। और द इंजेक्शन प्रेशर से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और हम लोग उसको 1 लाख से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 लाख से डिवाइड इसलिए करेंगे ताकि हम लोगों को वैल्यू जो मिल सके वो टनेज में मिल सके, ठीक है, टन में मिल सके। उसके बाद एक नोट देखते हैं कि इंजेक्शन प्रेशर की जो यूनिट है वो हम क्या लेते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लेते हैं और द मेगा पास्कल में लेते हैं, दोनों एक ही यूनिट है, राइट। और बाकी सभी जो डायमेंशन रहेंगे वो हम लोग किस में लेंगे, एमएम में और मिलीमीटर में, राइट। देखो बेसिकली यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला देखते हैं जिस जो है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। अगर मुझे यहां पर फोर्स को निकालना है तो मुझे प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहीं पर यही चीज बेसिक चीज हम लोग यहां पर कर रहे हैं कि बेसिकली टनेज निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टेड एरिया को हम लोग इंजेक्शन प्रेशर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो हमारा क्या निकल जाएगा, टनेज निकल जाएगा, जो कि हमको कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो यहां पर हमारे पास एक कंपोनेंट है, तो भाई इस कंपोनेंट का हमको क्या निकालना है, एक प्रोजेक्टेड एरिया निकालना है और साथ ही साथ इसके अंदर एक और चीज निकालनी है भाई कि भाई कितने टनेज की मशीन इसके लिए लग सकती है, ठीक है, ये चीज हमको चेक करना है। तो चलिए भाई चेक करते हैं। देखो यहां पर हमारे पास क्या है, ये कंपोनेंट है तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग निकालेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, भाई इसका लेआउट कैसे हम लोग बनाने वाले, ठीक है। मैं इसको कहीं से भी देखता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो भाई इसका जो टॉप व्यू रहेगा वो ये कुछ इस तरह से रहेगा। तो भाई इस तरह से ये मोल्ड में से निकलने वाला है। अगर मैं इसको देखूं भाई तो यहां से इसका क्या रहेगा, फिक्स्ड हाफ, और यहां से इसका क्या रहेगा, मूविंग हाफ, मतलब ये कोर साइड और ये कैविटी साइड रहेगा। तो इसका जो टॉप व्यू रहेगा वो कुछ इस तरह से आपको नजर आने वाला है, राइट। तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, प्रोजेक्टेड एरिया निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक प्लेन को शो कर देता हूं कि भाई ये वाला प्लेन है और मैं इस पर्टिकुलर एक प्लेन के ऊपर इसके प्रोजेक्टेड एरिया को निकालने वाला हूं। तो यहां पर मैंने एक कमांड का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, कैलकुलेट एरिया। मैंने बॉडी को सिलेक्ट कर दिया, बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर एक स्पेसिफिक प्लेन पूछ रहा है भाई, तो मैं यहां पर एक प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूं, लाइक दिस प्लेन सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है, और मैंने उसको कर दिया ओके। देखो यहां पर हमारे पास एक इंफॉर्मेशन विंडो आ गई, उस इंफॉर्मेशन विंडो में आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द डायमेंशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि भाई एक्स में इसका डायरेक्शन कितना है, कि भाई एक्स में 271 है या वाई में 342 है, राइट। इसका जो टोटल प्रोजेक्टेड एरिया रहेगा ना वो रहेगा इतना, ठीक है, कितना है, 51,000 के ऊपर है, मतलब
51821, राइट। तो ये क्या निकला है, हमारा प्रोजेक्टेड एरिया निकला, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोजेक्टेड एरिया को मल्टीप्लाई करूंगा किसके, अब नंबर ऑफ कैविटीज वन है भाई, तो यहां पर आपको नंबर ऑफ कैविटीज पुटअप करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो यहां पर मैंने इस वैल्यू को कॉपी कर लिया भाई, सिंपल सा हमारा कैलकुलेटर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पर मैंने इस वैल्यू को पुटअप करा, ठीक है, यहां पर मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करा किससे, इंजेक्शन प्रेशर से। अब फॉर एग्जाम्पल कस्टमर के पास 30 टन की मशीन अवेलेबल है या 50 टन की या कितने टन की मशीन अवेलेबल, राइट। उसका जो इंजेक्शन प्रेशर रहेगा उसी से मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं, जो कि मैक्सिमम प्रेशर रहेगा, राइट। तो मैं अभी एज्यूम करके चलता हूं कि भाई उसका इंजेक्शन प्रेशर है वो 350 मेगा पास्कल है, राइट। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये कुछ वैल्यू आई, ठीक है। इसको कर दिया मैंने डिवाइड बाय द 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिला, कुछ मुझे फोर्स मिला कि भाई 181 टन का रिक्वायर्ड फोर्स है, मतलब इतना मुझे फोर्स चाहिए रहेगा, राइट। तो भाई कस्टमर को हमको ये बताना पड़ेगा, इसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, तो इसके अंदर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड कर देता हूं, तो इसका 10% फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, 18, ठीक है, तो प्लस मैं इसमें 18 और छोड़ देता हूं, तो भाई हमको ये पता चलेगा कि भाई 199 टन रिक्वायर्ड है, तो भाई 200 टन की मशीन हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो भाई 200 टन की मशीन कस्टमर को हमको ये चीज बतानी पड़ेगी कि सर 200 टन की मशीन इस कंपोनेंट के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है, राइट। उसके अंदर एक और चीज होती है शॉर्ट कैपेसिटी, या फिर और भी मशीन के पैरामीटर्स हमको समझना पड़ते हैं, देखना पड़ते हैं, लेकिन अभी हमको ये चीज पता चला है कि डिपेंडिंग अपॉन द टनेज कैलकुलेशन इसमें 200 टन की मशीन रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर एक कंपोनेंट के लिए, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।